आज एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग का। इसमें हम जो है वो टोटल जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग के वो सारे कवर करेंगे। तो जो आज इस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है वो बेसिकली है आपका कंपनी फाइनल अकाउंट का, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग में। तो इसको आपको समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि इसके जो अकाउंट्स हैं वो बेसिकली आगे चल के कंपनीज में डिफरेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो रेशियो एनालिसिस की तरफ चलेंगे, क्योंकि रेशियो एनालिसिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप डिफरेंट रेशियोज़ के ज़रिए आप कंपनी को जो एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट की तरफ चलेंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप किस तरह से मैयर करते हैं, और फिर हम ब्रांच अकाउंट्स की तरफ जाएंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस अगर आप किसी बिजनेस की लेते हैं तो उसको आप किस तरह से डील करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस बैंक में जो है वो आप देखेंगे डिफरेंट सिटीज़ में उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो लाइक उस तरह के जो आपके बिजनेसेस हैं वो किस तरह से डील होते हैं। फिर हम कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ चले जाएंगे, तो डिफरेंट जो आपके मेजर आपकी चीज़ें हैं उसको हम डील करेंगे। हम शेयर होल्डर्स की साइड को, डिबेंचर्स की साइड को, उसको भी हम डील करेंगे। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम अपने कंपनी फाइनल अकाउंट को डील करते हैं। लाइक ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस फॉर्म्स प्रिपेयर रिजल्ट ओरिएंटेड फाइनल अकाउंट्स टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पीरियडिकली। लाइक हम पीरियड वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं अपने बिजनेस की, और उन सब के ऊपर जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो हम बेसिकली कंपनी फाइनल अकाउंट में डिस्कस करेंगे। कंपनी अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में ये चीज़ डिस्कस नहीं की जाती, ये कंपलसरी नहीं होते। हम जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके लिए जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बनाना लाजमी होते हैं। तो हम जो है ये जितनी चीज़ें डिस्कस करेंगे ये हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स की जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, तो वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं जस्ट आप लोगों को एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ कि जिस टाइप की भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होनी चाहिए उसके अंदर ये टाइप्स जो हैं वो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपेयर की जाएंगी। लाइक हम तीन चार स्टेप में इस चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। हाउएवर इन जनरल ट्रेंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर कंसिडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल, हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को परफॉर्म करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हम जो चीज़ निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, वो किस टाइप का प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम मूव करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम प्रॉफिट या लॉस गेन करेंगे वो किस टाइप का हम उधर फाइंड आउट करते हैं उसको हम मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा उसको हम मूव करेंगे बैलेंस शीट में। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले क्वेश्चन में हम ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को अटैच करेंगे, फिर हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अटैच करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें बैलेंस शीट तक हम इसको परफॉर्म करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या है? एट द एंड ऑफ द पीरियड एवरी बिजनेस मस्ट असर्टेन इट्स नेट प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है, और ग्रॉस प्रॉफिट आगे हमें चलता है क्योंकि हर बिजनेस जो अपने नेट प्रॉफिट की तरफ जाना चाह रहा है, तो नेट प्रॉफिट के लिए हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट करेंगे। दिस इज डन इन टू स्टेजेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो पहला स्टेज है उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करेंगे। लाइक दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, या आपका प्रॉफिट आ सकता है या लॉस आ सकता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं होगा। उसमें अभी तक आप टैक्सेस को लाइक उसमें से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो वो उससे पहले वाला प्रॉफिट होगा, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर इट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल, अगर आपकी सेल्स की रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा प्रोसीजर है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और वो हम जाके परफॉर्म करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो फॉर ट्रेडिंग कंसर्न दो साइड्स को हम बेसिकली डील करेंगे, एक ट्रेडिंग कंसर्न्स और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कुछ चीज़ें होंगी जो उसमें डेबिट साइड को डील करेंगी। लाइक हमारा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, द परचेज मेड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड वो हमारे डेबिट साइड पे आएगा, एक्सपेंडिचर्स जो हमने गुड्स को परचेज करने के लिए किए हैं वो भी उस साइड पे आएंगे, और देन एक्सपेंडिचर टू मेक द गुड्स रेडी फॉर द सेल्स, वो एक्सपेंडिचर जो आप गुड को सेल करने के ऊपर बाद में करते हैं, बनाने के बाद में जो एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक वेयर हाउस के एक्सपेंसेस, कोई और ट्रांसपोर्टेशन के, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो सेल करने के ऊपर आते हैं, वो भी एक्सपेंडिचर आपके उस साइड पर आएंगे। और सेकेंड आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के रिलेटेड होते हैं, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट इज डेबिटेड विद, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें डेबिट होगा ऑल एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड अप टू द टाइम दैट गुड्स आर रेडी फॉर सेल, वो तमाम एक्सपेंडिचर जो उस गुड को बनाने के लिए हुए हैं उस पॉइंट तक जब हमने उनको सेल करना है आगे, तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वाली साइड आ गई। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट्स के कुछ आइटम्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये आइटम्स गिवन हों तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली ये जो हमारे लाइक आइटम्स हैं ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारे पास परचेजेस है, रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया, लोगों को वेजेस दें, फ्यूल के और पावर जो मशीनरी को चलाते हैं उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए, जो कैरेज हमने परचेजेस के लिए यूज़ किया, और ऑल अदर फैक्ट्री के जो चार्जेस हैं वो सब इसके इस साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम आएंगे लाइक वो ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिहाज से सेल और परचेज की चीज़ें आ जाएंगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये जो लाइक हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की हैं ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनमें देखें जो सेल और परचेज के लिहाज से हैं वो आपके ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे, कि ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर, लेकिन जो आपके रॉ मटेरियल है जो जब तक आपने उसको फिनिश गुड तक प्रोसीड किया है वो सारे जो एक्सपेंडिचर्स आपके आ रहे हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर कंसिडर होंगे। लाइक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, दी ओपनिंग स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स विल कंसिस्ट ऑफ लाइक रॉ मटेरियल आपका, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश गुड्स, ये सारी आपके इस टर्म में आ जाएंगी। उसके बाद कैरेज एंड फ्रेट है, ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द परचेज गुड्स और मटेरियल टू द गोडाउन शुड बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आपने अपने परचेजर्स जो हैं उनको अपने गोडाउन तक लेके आने के लिए चीज़ें परफॉर्म की हैं उसके लिए जो आपने फ्रेट पे किया है, कैरेज पे किया है, उसके एक्सपेंसेस इसमें कंसिडर हो जाएंगे। उसके बाद आपने कोई कॉल यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है बॉयलर को रन करने के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए, वो एक्सपेंडिचर आपके आ जाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके कौन से होंगे, कि जितने आपके ऑफिस के फैक्ट्री के बाकी एक्सपेंसेस हैं जो ऑफिस एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपके सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब आप आगे न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में जाएंगे तो ये चीज़ें वहाँ आपको काम आएंगी, ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मैंने ओपनिंग स्टॉक में डालनी है, कौन सी चीज़ मेरी कैरेज एंड फ्रेट में आएगी, कौन सी चीज़ फ्यूल एंड पावर में आएगी, कौन सी चीज़ फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगी, और कौन कौन से आइटम जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन में चारों चीज़ें गिवन हो जाती हैं कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपके फिंगर टिप्स भी होने चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के इन सब में से कौन से आइटम्स हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ द कंपनी फाइनल अकाउंट। देन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी चीज़ आपके पास मटेरियल बच गया है, कोई भी चीज़ बच गई है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यहाँ तक का था जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का, इसके बाद इसके हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको डिस्कस नहीं किया, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट को हमने डिस्कस कर लिया है, अब सेकंड स्टेप पे हम आएंगे, हम थ्योरी डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। कंपनीज ऑर्डिनेंस डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम जो क्या करेंगे कि लाइक ये एक कंट्री का हमने कोई लिया हुआ है कि उनके जो कंपनी ऑर्डिनेंस है 1984 का, उसके तहत जो हम इसको चीज़ों का शेड्यूल करेंगे। तो आपके कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर होंगे, लाइक वो कौन से आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की दो साइडें आपके सामने गिवन है, एक आपकी डेबिट साइड और एक आपकी क्रेडिट साइड।
अगर आप डेबिट साइड को देखें तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ है, अभी आपको ज़हन में आ जाना चाहिए कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया था। तो अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस गिवन ना हो, अगर गिवन हो तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड का, अगर ग्रॉस लॉस आया तो आपका डेबिट साइड का। बाकी आपके जितने एक्सपेंसेस हैं ये सारे एक्सपेंसेस गिवन हैं। ये मैं थ्योरेटिकली आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ गिवन आ जाए तो आपने बेसिकली ये आइटम्स जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने हैं, इनको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालना। तीनों के जो आइटम्स हैं वो आपको स्पेसिफिकली याद होने चाहिए कि कौन सा किस में जाएगा, तो आप फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो आपके प्रॉफिट्स हैं, कमीशन है, रेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। तो अगर ये जो अब तीसरे नंबर पे जो हमने बनाना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इसका बैलेंस उसमें जाएगा जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस इसमें आया था। तो अगर तो ये लेफ्ट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पर देखें तो अगर तो ये नेट प्रॉफिट हुआ तो आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर यहाँ पे आपने लॉस किया, लाइक ये साइड आपकी ज़्यादा होगी डेबिट साइड, तो फिर क्रेडिट साइड कम हुई तो यहाँ पे आपका लॉस बैलेंस आ जाएगा और ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच डायरेक्टली अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो सारे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और जो आपका बैलेंस है वो आपका लाइक नेट प्रॉफिट उस साल का वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या नेट लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे जो है आपके सामने आइटम्स गिवन हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। और हमने जो है वो अब इसमें आपका प्रपोज डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वो है जो कंपनी प्रपोज करती है कि हमने इस साल इतना डिविडेंड देना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी इस साइड की लाइक एक्सपेंडिचर साइड की आ जाएगी। फिर आप इंटरम डिविडेंड अगर आपको 6 मंथ के बाद कोई डिविडेंड देते हैं वो आपके एक्सपेंडिचर साइड इस साइड पर आ जाएंगी। अब आप देखें दोनों साइड्स आपके, या इधर से आप क्या चीज़ अर्न करेंगे, आप करेंगे सरप्लस जो आपका बैलेंस आएगा। अगर तो इस साइड पर आपका सरप्लस बैलेंस आ गया तो ये सरप्लस बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है कंपनी फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट। और अगर इस साइड का आ गया तो हमारा लॉस आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, तो ये भी हम उधर जाके बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो आगे हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लाइक अभी तक हमने 3 स्टेप जो है वो क्लियर किए हैं। अभी हम इन सब की बेस पे जो है एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा जनरल एंट्रीज का, कि आपने बेसिकली अगर जनरल एंट्रीज इस पे आ जाएँ तो आपने उसको किस तरह से डील करना है। फिर हम जो ये 4 आपके अकाउंट्स हमने किए हैं बैलेंस शीट तक, इन चीज़ों को आगे डील करेंगे। और फिर मैं आपको थ्योरी बताऊंगा पहले बैलेंस शीट की, और फिर हम प्रॉपर इनके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। लाइक आपके पास द डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड कंपनी विद फुली पेड अप कैपिटल लाइक 2,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड इन टू ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपीज़ ईच शेयर डिसाइडेड टू पे द हाफ ईयर एंडेड 13 जून 2002 एंड इंटरम डिविडेंड ऑफ 10% पर एनम। अब यही बात अब हमने ये देखा है कि ये जो इंटरम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का है। अब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड। कि जो हम इंटरम डिविडेंड दे रहे हैं जस्ट उसकी हमने एंट्रीज करनी है कि वो कहाँ पे जाएगा और किन किन अकाउंट में जाएगा। लेकिन हमने पहले ये थ्योरी कर ली है और थ्योरी ने हमें ये बता दिया है कि ये जो अकाउंट की पेमेंट है ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। सो दैट इज़ वाई कि आपका इंटरम डिविडेंड अकाउंट जो है वो आपका ऊपर आ गया है, और आपके जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो आपका बैंक अकाउंट है। कि लाइक अब आपका इंटरम डिविडेंड जो है वो होगा, तो बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड ये हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। अब ये आप देखें टोटल आपके 2.5 लाख की पेमेंट थी, तो 2.5 लाख के ऊपर आपका 10% 25,000 बनता है। लेकिन हम यहाँ बात करें इंटरम डिविडेंड की 6 मंथ की, तो आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12,500 आपकी अमाउंट आ जाएगी 6 मंथ की। तो सो इस वजह से हमने यहाँ पे 12,500 की अमाउंट ली है, क्योंकि हम इंटरम डिविडेंड को डील कर रहे हैं, पर एनएम को नहीं ले रहे।
अभी हमें पता है कि ये वाली जो अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जानी है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो ज़्यादा हो गया 12,500 से, और आपका इंटरम डिविडेंड जो है वो आपका क्रेडिट हो गया 12,500 से। तो नीचे नरेशन इसकी देख लें, बींग इंटरम डिविडेंड ऑफ हाफ ईयर एट 10% पर एनम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि हमने जस्ट जनरल एंट्री करके देख ली कि ये कैसे होती हैं। हमारा मेन पर्पस जो है इस चीज़ को डील करने के लिए, वो हमने जस्ट डील करना है वो जो चार चीज़ें हमने की हैं कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कंपनी फाइनल अकाउंट में, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और आगे बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 फिर सिंपल है, जस्ट ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है कि अगर ये सारे आइटम्स आपको गिवन हो और आपको कहा जाए कि इनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिहाज से सेपरेट कर दें, लाइक टोटल हमारे पास ये 16 आइटम्स जो हैं ये गिवन हैं हमारे पास, तो अगर हम इनको अलग अलग करें तो आप ये देख सकते हैं कि आप देखें कि कौन सा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का है और कौन सा उसमें क्रेडिट साइड पे जाएगा और कौन सा डेबिट साइड पे जाएगा। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि प्रपोज डिविडेंड, बोनसेस, इंटरम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, जनरल रिजर्व, ये सारी जितनी चीज़ें इस इनमें गिवन है ये हमें पता है कि ये आपके इसके डेबिट साइड पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, और जो आपके कुछ इनकम साइड की चीज़ें हैं वो आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे। ये पीछे थ्योरी में हमने इनको देख लिया। तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए था कि आपको ये चीज़ें रिमेंबर याद होनी चाहिए कि ये किस तरह से होनी है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप सबसे पहले नीचे इसकी रिक्वायरमेंट देख लें, तो हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये याद रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पहले दो और स्टेप हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सा जो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, अगर कोई भी प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फिर स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई नेट प्रॉफिट अवेलेबल है या ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है फिर तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के फिर उसको डील करेंगे। तो एक्स वाई जी हैड अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 30,000 स्टार्ट में, जो उनके पास बैलेंस है 30,000 का। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2000 कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 का है। तो डायरेक्टर ने कुछ और रिकमेंडेशंस दी हैं, डायरेक्टर ने ये रिकमेंडेशन दी हैं कि हमें जनरल रिजर्व के लिए 15,000 रुपये रखने हैं, हमने इनकम टैक्स पे करना है तो उसके लिए हमें 50,000 चाहिए, हमें डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि 14,000 डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में हमने ट्रांसफ़र करने हैं जो डिविडेंड हमने देना है, उसके बाद डायरेक्टर आल्सो रिकमेंड कि हमने 20,000 जो है वो एम्प्लाइज को बोनस देना है उसमें रखने हैं, फिर कंपनी के पास 4 लाख के ऑर्डिनरी पेड अप शेयर कैपिटल है जिसमें एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, और डायरेक्टर ने ये भी रिकमेंड किया है कि हमने इस साल 10% पर एनएम के लिहाज से डिविडेंड देना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है, तो हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग द करंट ईयर 2000 कंपनीज प्रॉफिट 1,60,000 अवेलेबल है। इट मींस कि हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल होता तो फिर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और फिर उसके तरफ जाते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन हमारे पास अब नेट प्रॉफिट इधर अवेलेबल है तो तब जो है अब हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा सकते हैं, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट पीछे से चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमारे पास गिवन है 1,60,000 का। तो आप देखें बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने किया है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो जो इनिशियल था 30,000 का वो हमारे पास आ गया, उसके बाद 1,60,000 का जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया वो हमारे पास गिवन। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है प्रिपरेशन अकाउंट का बैलेंस है 1,90,000 हो गया। अब दूसरी साइड पे हमने सारे एक्सपेंडिचर्स लेके आने, हमें पता है कि जनरल रिजर्व 15,000 के रखे हैं वो इसी में आने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इक्वलाइजेशन फंड रखा है वो भी इसमें आना है, बोनस के एम्प्लाइज भी आने एम्प्लाइज का बोनस भी आना है, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड जो किया है वो भी इसमें आना है, टैक्सेशन के लिए कुछ अमाउंट रखी है। तो ये सारी अगर हम सम करें तो 1,90,000 से कम बनता है। तो टोटल अब हमारे पास जो जो बैलेंस आ रहा है सरप्लस में वो आपका आ रहा है 51,000 का। तो अब हमने ये 51,000 बैलेंस शीट में लेके जाना है, लेकिन आपको ये याद है कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, तो अब बैलेंस शीट हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं थ्योरी की तरफ, थ्योरी देखते हैं बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट की थ्योरी को सॉल्व करने के बाद फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को इकट्ठा डील करेंगे। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल
एज ऑफ अ स्पेसिफिक डेट यूजली एट द क्लोज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर अ मंथ। तो हमने एट द एंड हम एक बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, द एसेट्स एंड लाइबिलिटी उसमें होंगे और उसके अलावा जो है हमारे लाइक हमारा कैपिटल साइड होगी। अब तीन चीज़ों को बेसिकली हम इसके अंदर डील कर रहे हैं, कैपिटल को, लाइबिलिटी को और एसेट को। कैपिटल और लाइबिलिटीज एक साइड पे आ जाएंगी और आपके एसेट्स सारे एक साइड पे आ जाएंगे। अब जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं और आपके एसेट्स वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंस करते हैं क्रिएट एसेट्स के अंदर। अब एसेट तो एक साइड आ गई, लेकिन उसके अंदर आपके फिक्स एसेट हो सकते हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स की भी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हो सकते हैं, आप फिर लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, उसके बाद करंट एसेट्स हो सकते हैं, और करंट एसेट्स के अंदर भी कई टाइप्स हो सकती हैं। तो ये तो आपके एसेट साइड होगी जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। दूसरे में आपकी लाइबिलिटीज़ आएंगी। सबसे पहले हमने कहा था लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दो चीज़ें आएंगी, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व आ जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे, फिर डिबेंचर्स एंड पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, फिर आपके डेफर्ड लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी और करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन आ जाएंगे। और यही करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर काफ़ी टाइप्स की लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो लेकिन हमने अभी तक मेन जो हैं उनके वो आइटम्स लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर शेयर कैपिटल और रिजर्व, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, वो आ जाएंगी। उसके बाद आप देखें रिजर्व, रिजर्व्स के अंदर आप देखें कितने टाइप्स के रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स वो फोर टाइप्स के हैं, फिर आपके रेवेन्यू रिजर्व्स वो फोर टाइप्स के हैं, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स आपके दो टाइप्स के हैं, फिर आपके डिबेंचर्स हैं उसमें सिक्योर डिबेंचर्स हैं, अनसिक्योर डिबेंचर्स हैं, और हर एक की दो दो टाइप्स हैं। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ये आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। उसके बाद अगर आप डेफर्ड लाइबिलिटीज़ में जाएं तो थ्री टाइप्स की वो आपकी आ गई। फिर आप करंट लाइबिलिटीज़ देखें कि ये आपका सारे जो पेज है तकरीबन ये आपका सारा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपका टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का जो सेक्शन है ये एंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास साइड गिवन है, दूसरी साइड जो बैलेंस शीट की होती है उसमें एसेट्स होते हैं। लाइक उसमें देखें फिक्स एसेट पहले हम ले रहे हैं, लेकिन फिक्स एसेट के अंदर आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो मूव नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे आप ये कहते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स हैं, लाइक या वो एसेट जो आपको नज़र आते हैं। इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल है, आपका एसेट है लेकिन नज़र नहीं आता, पेटेंट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के छः टाइप्स हैं, ये आपके आएंगे। फिर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थ्री टाइप्स के हैं, जो भी इनमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो साइड पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, आपके पास रीपेमेंट्स हैं, डेफर्ड कॉस्ट हैं, वो कितनी टाइप्स की हैं। ये जस्ट सारे आइटम्स आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने हैं कि बैलेंस शीट में अगर आएँ तो ये किस साइड पर और किस कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। करंट एसेट्स में आपके पास स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स की चीज़ें आ गई, वो आपके करंट एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है, उसके बाद ट्रेड डेटर्स हैं आपके, जो आपने किसी को आधार पर चीज़ें दी हुई हैं वो आपने उनको उनसे पैसे लेने हैं। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस कुछ आपने दिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल हैं जो आपने रिसीव करने हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं आपके, ठीक है ना। उसके बाद आपके अदर रिसीवेबल्स हैं, कोई और चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपने गवर्नमेंट ने आपको कोई टैक्सेस रिफंड कर दिए, कैश इन हैंड है आपका, कैश एट बैंक आपका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके करंट एसेट्स में आएँ। तो यहाँ पे जो है ये हम लेक्चर इसको एंड करते हैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के बेस पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ए टू जी हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके बैलेंस शीट तक हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम इस पूरे इस वाली साइड को लाइक कंपनी फाइनल अकाउंट को दो लेक्चर्स में कवर करेंगे।